IPL 2019 साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को नहीं मिली अभी तक हरी झंडी। IPL 2019 शुरू होने में अब मात्र एक सप्ताह बचा है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को अभी तक इसके लिए अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। यानी क्रिकेट साउथ अफ्रीका CSA ने इस लीग के लिए खिलाड़ियों को रिलीज करने को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। दरअसल साउथ अफ्रीका को अभी श्रीलंका के साथ T20 सीरीज खेलनी है, जो कि विश्व कप से पहले उसकी आखिरी सीरीज है। यह सीरीज 24 मार्च को समाप्त होगी और CSA का मानना है कि भारत रवाना होने से पहले खिलाड़ियों से सीरीज समाप्त करनी चाहिए, लेकिन खिलाड़ी शुरुआत से लीग में मौजूद रहना चाहते हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के अधिकारी ने INS से बातचीत में कहा कि खिलाड़ियों को रिलीज करने की तारीख तय करने के लिए CEO थाबंग मोरो, अध्यक्ष क्रिस नानजानी और कोच ओटिस गिब्सन केपर टाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तीनों आज न्यूलैंड में बैठक कर रहे हैं, जिसमें वे यह तय करेंगे कि साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों को IPL के लिए कब रिलीज किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खिलाड़ी T20 लीग का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन यह भी सच है कि वे देश के लिए खेलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों पर अंतिम निर्णय जल्द ही होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, मौजूदा समय में साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में व्यस्त हैं। टीम शनिवार को 5 मैचों की वन डे सीरीज का आखिरी मैच खेल रही है और फिर इसके बाद 3 T20 मैच भी खेलेगी। अंतिम T20 मैच 24 मार्च को समाप्त होगी, इसलिए यह उनके लिए संभव नहीं होगा।